हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल के एक पार्ट बेसिक टू पी एल। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चार तरीके के होते हैं, बेसिक टू पी एल, कंजर्वेटिव टू पी एल, स्ट्रिक्ट टू पी एल एंड रिग्रेस टू पी एल। इस वीडियो में बात करते हैं बेसिक टू पी एल। बेसिक टू पी एल क्या होता है? बेसिकली दो टू पी एल यानी टू फेज लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल, पी से फेज, एल से लॉग बेस। टू फेजेस का मतलब दो फेजेस होते हैं इसके, ग्रोइंग एक्सपेंडिंग कहते हैं या श्रिंकिंग, दो फेजेस। ग्रोइंग में क्या होता है, इसमें ये बेसिकली स्टार्टिंग फेज है, इसमें हम सिर्फ लॉक कर सकते हैं, किसी चीज को अनलॉक नहीं कर सकते। देन कम श्रिंकिंग फेज, इसमें हम किसी चीज को लॉक नहीं कर सकते, अनलॉक कर सकते हैं। जैसा इंग्लिश में लिखा है, पढ़ें सीरियसली। तो ग्रोइंग और एक्सपेंडिंग इज इन दिस न्यू लॉक्स ऑन डाटा आइटम मे बी एक्वायर्ड बट नन कैन बी रिलीज, यानी कोई अनलॉक नहीं हो सकता। ड्यूरिंग दिस एग्जिस्टिंग लॉक कैन बी रिलीज्ड बट नो न्यू लॉक कैन बी एक्वायर्ड। रिलीज तो हो सकता है लेकिन न्यू लॉक एक्वायर नहीं हो सकता। देन इसमें एक लॉकिंग पॉइंट होता है, वह भी समझ आएगा। लेट सी एक एग्जाम्पल। ये ग्राफिकल स्ट्रक्चर है, ये लॉक एग्जिस्टेशन है यानी पहला फेज ग्रोइंग फेज, और ये रिलीजिंग फेज यानी श्रिंकिंग फेज। इसमें क्या है, सबसे पहले ये दो ट्रांजेक्शन है T1 एंड T2। हम स्टार्टिंग में लॉकिंग पॉइंट क्या होगा, जहां पे हमारा पहला अनलॉक होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, अगर हम यहाँ थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि दिस इज अनलॉक, तो इस चीज को हमें रिमूव करना है। हमने गलती से लिख दिया। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस चीज को भूल जाए तो लॉकिंग पॉइंट क्या होता है, जहां पे पहला अनलॉक आता है उससे जस्ट पहले, उससे जस्ट पहले जो ट्रांजेक्शन होती है दैट इज लॉकिंग पॉइंट, या उससे पहले जो लॉक होता है दैट इज लॉकिंग पॉइंट। यहाँ पे बेसिकली लॉक होना था, बाय मिस्टेक हमने अनलॉक लिख दिया। इस पहले अनलॉक के बाद हम कोई भी लॉक नहीं लगा सकते, सिर्फ अनलॉक कर सकते हैं चीजें। जैसे यहाँ पे रीड लॉक, रीड आइटम, राइट लॉक, यहाँ पे लॉक, तो हम यहाँ तक लॉक कर सकते हैं। अनलॉक होने के बाद वो श्रिंकिंग फेज हो जाता है, और अनलॉक होने से पहले वो ग्रोइंग फेज होता है। दिस इज बेसिक टू पी एल, जहां जैसे ही अनलॉक, पहला अनलॉक आता है दैट इज उससे इस साइड का ग्रोइंग फेज, उस साइड का श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज में कोई चीज अनलॉक नहीं हो सकती, वहां सिर्फ लॉक हो सकती है, और श्रिंकिंग फेज में कोई भी चीज सिर्फ अनलॉक हो सकती, लॉक नहीं हो सकती। जैसा कि यहाँ देखें, यहाँ कोई भी चीज अनलॉक नहीं हो रही, एक्सेप्ट जिस मिस्टेक की, हमारी मिस्टेक है, यहाँ लॉक है। और अनलॉक, यहाँ पहला अनलॉक आ गया, इसके बाद यहाँ पे देखें इस ट्रांजेक्शन में तो कोई भी चीज लॉक नहीं हो रही, सिर्फ अनलॉक अनलॉक है। दिस इज बेसिक टू पी एल। तो ये तो था टू पी एल का एक टाइप, यानी बेसिक टू पी एल। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव टू पी एल की। कंजर्वेटिव टू पी एल क्या करता है, ये पहले ही बुक कर लेता है कि मुझे ये चीजें लॉक करनी है, यानी कंजर्व करके चलता है, मुझे वो सीटें बुक करके चलनी है, और उसके बाद लॉक ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है। ये पहले चेक देख लेता है मेरी वो लॉकिंग कंडीशन आएंगी, मैं उन चीजों को लॉक कर लेता हूँ और उनको प्रिजर्व करके अपने पास रख लेता है। उसने बुकिंग कर ली कि ये मेरे लॉक्स हैं। तो फायदा क्या है इसका, बेसिकली डेडलॉक सिचुएशन नहीं आती है, और इसमें कोई ग्रोइंग फेज नहीं होता, सिर्फ श्रिंकिंग फेज होता है। तो सिर्फ अनलॉक अनलॉक करना होता है, लॉक तो इसने पहले ही बुक कर लिया है सारा। प्रॉब्लम कब होती है, जब ये डिक्लेयर तो कर लेता है मुझे ये लॉक करना है, लेकिन उनकी जरूरत पड़ती है तब ये बाकी चीजों को भी लॉक खो देता है, और नेक्स्ट टाइम उनको लॉक करने के लिए इसे वेट करना पड़ता है जब तक लॉक्स अवेलेबल हो। तो ये प्रॉब्लम है कंजर्वेटिव टू पी एल में, और ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, या बहुत डिफिकल्ट है। तो दिस वॉज कंजर्वेटिव टू पी एल। आगे पढ़ते हैं स्ट्रिक्ट टू पी एल और रिग्रेस टू पी एल। थैंक यू वेरी मच।